लेह लद्दाख अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक पर्यटक स्थल, बर्फीला वातावरण, शांत पर्यावरण और प्रमुख रूप से यहाँ की स्थानीय बाजार है जो सभी पर्यटकों का मन लुभाती है। पहले इस जगह पर ज्यादातर लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन अब लद्दाख को देखने या इसे एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से काफी पर्यटकों ने यहाँ पर आना प्रारंभ कर दिया है। भारत में तो यह प्रचलन बाइक गैंग ने शुरू किया है। यह भी देखा जाए तो हमें इन्हें बाइक गैंग के नए नए जगहों पर जाने का अनुभव और उन्हें अपने कैमरे में शूट करके दिखाने का जो प्रचलन चलाया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों आइए चलते हैं लद्दाख के उन खूबसूरत वादियों में जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली जगह है वह है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में सर्वाधिक पर्यटकों द्वारा देखा जाने वाला यह मैग्नेटिक हिल, इसे ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस स्थान पर गाड़ियां गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप ही पहाड़ी की तरफ चढ़ती जाती हैं। मैग्नेटिक हिल शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर लेह कारगिल श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर गाड़ियां लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिना इंजन के चालू किए चलती हैं, जो अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। इसी रास्ते में थोड़ी दूर आगे गुरु पत्थर साहिब हैं। गुरु नानक ने लोगों के बीच फैली अनेक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जगह जगह पर भ्रमण करते रहते थे और लोगों को बुराइयों और अंधविश्वासों से दूर रहने और उन्हें एकता और भाईचारे के महत्व का बोध कराते थे। ऐसे ही जब एक बार भ्रमण करते हुए सुमेर पर्वत के नजदीक आए, तब वहां के लोगों ने एक भयंकर दुरात्मा के बारे में उन्हें बताया। कहा जाता है कि इस सुमेर पर्वत की हूबहू संरचना बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर की स्थापत्य कला में भी देखी गई है। एक पुरानी कहावत के अनुसार एक बार गुरु नानक साहिब इसी स्थान पर ध्यान कर रहे थे, लेकिन एक दुरात्मा ने उनके ध्यान में बाधा डालने के लिए एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उनके ऊपर फेंका। वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, लेकिन कहते हैं जाको राखे साई या मार सके ना कोई। गुरु नानक देव जी का ध्यान टूट गया, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया। यह पत्थर आज भी यहीं पर स्थित है। इस पत्थर पर गुरु नानक जी के शरीर और उस दुरात्मा के पैरों के निशान साफ देखा जा सकता है। गुरु पत्थर साहिब की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यदि आप यहां गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप जून से अक्टूबर के मौसम में आएं, क्योंकि इस दौरान बर्फबारी का उतना गहरा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। गुरु पत्थर साहिब का खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पूरे सप्ताह रहता है। तीसरी जगह है जो दर्शकों का मन लुभाती है, लेह पैलेस। लद्दाख में एक चीज जो पर्यटकों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है वह है लेह पैलेस। यह लद्दाख का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। लेह पैलेस को लोचन पालकर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शाही महल है जो लेह लद्दाख के शहर की कला संस्कृति के बारे में बतलाता है। इसका निर्माण वर्ष 1600 में न्याय ग्याल द्वारा किया गया था। इसी पहले इसमें नरेश और उसके परिवार रहा करते थे। आज के समय में इस महल का अधिकांश भाग खराब स्थिति में है और इस महल के भीतरी भागों में खूबसूरती नहीं रही है। पर्यटक स्थल है वो है पैंगोंग झील। जी हाँ दोस्तों, आज यही सोच रहे हैं कि वह जगह है जहाँ हाल ही में चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे वीर सैनिकों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को खदेड़ दिया। पैंगोंग झील फिंगर 8 को लेकर भारत और चीन में तनातनी मची हुई थी। यह मामला अब सुलझ चुका है। तल है शांति स्तूप। यह स्तूप लद्दाख का सबसे प्राचीन एवं धार्मिक स्थल है। इसे जापानी बौद्ध भिक्षु जगहों में से एक। यह लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे धनी तिब्बती मठों में से एक है। इस मठ में प्रत्येक साल स्वामी पदम संभव के सम्मान में एक प्रसिद्ध उत्सव होता है। लेह मार्केट की शुरुआत मैंने इस
जगह के बारे में बताया था। यह लेह का सर्वाधिक प्रसिद्ध बाजार है। यहाँ पर अधिकतर दुकान तिब्बती समुदाय की है। इस बाजार में आपको सुप्रसिद्ध पश्मीना शॉल, स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, रंग बिरंगी टोपियाँ इत्यादि मिल जाएगी। स्टॉक पैलेस लेह लद्दाख का सर्वाधिक प्रसिद्ध जगहों में इसका नाम भी आता है। इस स्थान पर आपको खचाखच पर्यटक देखने को मिलेंगे। स्टॉक पैलेस अपनी आकर्षक वास्तुकला और सुंदर उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। इस पैलेस में राजाओं के युद्धकालीन कपड़े, हेमकुट और अन्य शाही सामानों को देखने का मौका मिलेगा। कारगिल लेह लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कारगिल, जहां पर वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुई थी। यह युद्ध तमाम भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला वह ऐतिहासिक युद्ध है, जिसने इतने वर्षों के बीच जाने के बाद भी प्रत्येक भारतवासी के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई थी।